स्टेज है, अब आपके सामने है वॉटरवे। हॉकी खेलकर अपने गांव, स्कूल और भारत देश का नाम रोशन करना चाहती हूं। इंडिया को मैं गोल्ड मेडल दिलाना चाहती हूं। मुझे इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर बनना है। देश विदेश के लिए खेलना चाहती हूं। देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी, जिसका भारत में स्वर्णिम इतिहास रहा। इस खेल ने भारत को विश्व पटल पर एक विजेता की पहचान दी। झारखंड में सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। यहाँ के जनमानस विशेष रूप से युवा वर्ग के हॉकी के प्रति समर्पण को देखकर समझ आता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ का हर युवा न केवल भारतीय हॉकी टीम में शामिल होने का सपना पालता है, बल्कि वो ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। करीब 7 वर्ष पूर्व तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सिमडेगा जिला हॉकी खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा देने के लिए एस्ट्रोटर्फ मैदान के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जो अब जिले में हॉकी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कदम जनजातीय बच्चों के विकास के कदम में अत्यंत सराहनीय प्रतीत होता है। सुदूर जंगलों में प्रकृति की गोद में बसा ये क्षेत्र अपने हॉकी प्रेम के आधार पर एक नई कहानी प्रत्येक दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिख रहा है। अयोध्या धाम में अब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इन्हीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक हरित पहल की है, जो अयोध्या धाम की भव्यता और दिव्यता को बनाए रखने में सहायक होगी। इसी कड़ी में एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटमरान MV गुहू को श्री राम की जन्मस्थली को समर्पित किया गया है, जो पवित्र सरयू नदी में श्रद्धालुओं को भ्रमण कराएगा। सदियों पुराने इतिहास, समृद्ध संस्कृति और विविध परिदृश्यों से भरपूर उत्तर प्रदेश देश व धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों का भंडार है, जिनकी सुंदरता और विविधता विश्व प्रसिद्ध है। विगत वर्षों में प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन स्थलों का विकास, सौंदर्यीकरण एवं बुनियादी ढांचे में सुधार किया है और निवेशकों को इस क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके कारण प्रदेश के पर्यटन उद्योग में क्रांति आई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से निवेश बढ़ा है। 2017 से 2023 के बीच राज्य में कुल निवेश लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने UP ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके कार्यान्वयन से प्रदेश के 34 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। को बिचौलियों से बचाने के लिए उनकी कृषि उपज को उचित मूल्य पर सहकारी समितियों द्वारा खरीदा जा रहा है, ताकि प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार लाया जा सके।